हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। सो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है सारे कर्टन्स को हटा देना और नेचुरल लाइट अंदर आती रहे घर में, जो बहुत पसंद है। दिन भर मेरे गेट दरवाजे खुले ही रहते हैं, ये भी एक रीज़न है कि घर में इतना डस्ट आता है। अभी मेरे से भी पहले उठ जाते हैं 5:30-6 बजे तक, मैं 7 बजे तक उठती हूँ और वही मुझे उठाते हैं। जनरली घरों में उल्टा होता होगा कि वाइफ जल्दी उठती होगी फिर हस्बैंड को उठाती होगी, बट यहाँ सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। तो वो उठ जाते हैं जल्दी और फिर लग जाते हैं अपने कुछ मेल्स वगैरह चेक करते रहते हैं या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं इंफॉर्मेटिव, और उसके बाद कभी मूड हुआ तो एक्सरसाइज करते हैं और कभी कभी वो काफ़ी मेरी हेल्प भी करते हैं, जैसे कोई बेड टैडी कर देना, झाड़ू लगा देना। बट आज मैंने उनसे कहा था कि मत करना, मुझे मॉर्निंग रूटीन का वीडियो बनाना है। सो यहाँ पर आज मैं बेड खुद ही बना रही हूँ, कभी कभी बना देते हैं वो, मैक्सिमम टाइम तो मैं ही बनाती हूँ वैसे। बट बहुत ही केयरिंग नेचर है उनका, ये सब मामले में देखते हैं कि वो बहुत बिजी चल रही है, उसने भी बाद में अपना काम करना है, तो बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। बोलना नहीं पड़ता है, अंदर से ही उनको आता है। और ये मेरे लिए नहीं है सिर्फ, सबके लिए वो ऐसे ही करते हैं। मम्मी का भी इनफेक्ट जब थी मम्मी हमारी, तभी भी उनकी भी बहुत केयर करते थे वो। अभी उनके पैर में दर्द है, दवा देना, और डेली मम्मी से बात करते हैं वो। कितने बच्चे आज के टाइम में ऐसा करते हैं, बच्चे पेरेंट्स उससे दूर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे पेरेंट्स से उनका अटैचमेंट कम हो जाता है, बट अभी का ऐसा नहीं है। एक कुछ कुछ क्वालिटी इसीलिए मुझे बहुत पसंद आती है अभी के अंदर। और सबसे बड़ी बात मुझे उनकी अच्छी लगती है कि ईगोस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मैं एक वाला नेचर नहीं है उनके अंदर कि भाई मैं तो आदमी हूँ, मैं ये सब काम क्यों करूँ, तुम्हारे काम है तुम करते रहो। नहीं, बहुत हेल्प करते हैं मेरे सभी कामों में। तो यहाँ देखिए टिफिन भी रेडी हो गया है और अभी ना बाहर झाड़ू लगा रहे हैं बैल्कनी में। हालांकि मैंने उनको मना करती हूँ बैल्कनी मत लगाओ, बट वो बोलते हैं बैल्कनी में लगा देता हूँ, अंदर तो तुम डस्टिंग वगैरह करोगे तो वापस लगाओगे, इसलिए छोड़ देते हैं, बाकी बाहर लगा देते हैं बैल्कनी में। और बैल्कनी में धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, सो वो वही कर रहे हैं बैठ के। और मैंने बोला उनको एक्सरसाइज कर लो थोड़ी देर, तो उनको बोलते हैं हाँ करता हूँ करके टाल दिया उन्होंने बैठ के, न्यूज़ देखने लगे। और फिर उसके बाद वो नहा धो के आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं अपनी, और मेरा भी टिफिन हो गया है रेडी। अब मैं अपना ब्रश व्रश कर लूँगी, उसके बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी उनके साथ बैठ के। नाश्ते में आज हम लोग खा रहे हैं सत्तू का पराठा है, ये चाय के साथ खा रहे हैं हम लोग। और सत्तू का पराठा ना एक दिन पहले रात को बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी को मैंने बोला था नेक्स्ट डे मैं इसको बनाती हूँ, स्टफिंग रख देती हूँ। अभी बोलते हैं नहीं, इसको ना बासी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पता नहीं क्या उनको था। और मैंने खाया ना, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था, एक्चुअली गर्म गर्म ही अच्छा लग रहा था वो। सो वो था एक्स्ट्रा बना लिए थे रात को ही, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी किसी वीडियो में। सो यहाँ पे अभी चले गए हैं और अब मैं अपने लग गई हूँ काम में, थोड़ा बहुत यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करूँगी। और ये रूम में सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और हमारा जो सेकंड बेडरूम है ना वो बंद रहता है, वो कभी कभी ही खोलते हैं हम लोग। जैसे अभी कुछ अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर मैं स्टिचिंग वगैरह कर रही हूँ, मैक्सिमम टाइम वो बंद ही रहता है। तो वो एक रूम है जिसमें ना धूल मिट्टी कम रहती है, बाकी इसमें हॉल में और मेरे वाले बेडरूम में जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मास्टर बेडरूम, उसमें ज़्यादा डस्ट आता है तो उसको डेली क्लीन करना ही पड़ता है। थोड़ा डस्टिंग मेरी हो गई है, अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। पोछा तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, वीक में 2 बार पोछा लगता है, एक दिन में लगा देती हूँ वीकडे में, और वीकेंड्स में अभी लगा देते हैं एक बार। सो ऐसे ही मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं अपना काम मैनेज। और कोई भी आता है ना, मेरे यहाँ भी कस्टमर आने लगे हैं तो देखते हैं आके, बोलते हैं अरे आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस लग रहा है। ओपन किचन होने की वजह से ना हमारा घर थोड़ा सा स्पेशियस लगता है, इसीलिए टाइम भी लग जाता है उसको साफ़ करने में। तो जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ ना इतना स्क्वायर फीट है, 1630 स्क्वायर फीट है ये रूम, बोलते ज़्यादा बड़ा लग रहा है, हमारा तो इतना बड़ा है। क्योंकि सोसाइटी में ना सबके घर बड़े बड़े ही हैं, बट वो ये किचन ओपन किचन नहीं होगा जिसका, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है घर। तो कुछ कुछ कर लोग मेरे को ऐसे ही बोलते हैं आके कि एरिया आपका ज़्यादा लग रहा है ये वो। मैंने बोला नहीं सेम ही है, ऐसा थोड़ी ना बिल्डर हमारा अलग से बना देगा। सो वही है, और क्लीन भी लगता है उनका घर। तो पूछते ही 2 क्वेश्चन मुझे हमेशा आके पूछते हैं, कोई भी कस्टमर आता है ना मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम, तो यही पूछते हैं, एक तो आपका घर बड़ा स्पेशियस लग रहा है, किचन बहुत सुंदर लग रहा है, और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे मेड रखी है आपने। बोलते मेड वेड नहीं, हम लोग 2 ही जन रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ रही अभी तो फिलहाल मैनेज हो जाता है, जब लगेगा तब रखेंगे। तो बोलते हैं हाँ ओपन किचन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैंने बोला कर लेते हैं जब तक जितना हो रहा है। सो एनीवे यहाँ पे सब बर्तन वगैरह मैं लगा दूँगी, उसके बाद मुझे जो बर्तन हो गए सुबह के वो भी यहाँ पे साफ़ करके रख दूँगी। सुबह सुबह मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ क्योंकि मैं फिर फ्री हो जाऊँ, आफ्टरनून में अपना काम पे ध्यान दे पाऊँ। अभी तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था, अब 2-2 हो गए हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपडेट रहो, फेसबुक पे अपडेट रहो, और अभी स्टिचिंग का काम हो गया है, तो अब बहुत ही शेड्यूल ज़्यादा बिजी हो गया है। तो अभी तो वैसे मैं दूसरे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस डालती नहीं हूँ, पहले मैं ना हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डाल देती थी, अब मैं वीकली 2 वीडियो डाल पाती हूँ उस पर।
एक दो बर्तन रात के भी रखे हुए थे, जो एक कढ़ाई है ना, एक कढ़ाई में तो अभी भिंडी की सब्जी बनाई, एक कढ़ाई में रात को आटा साना था तो मैंने सोचा सुबह फिर से आटा सानना है, तो उसको ऐसे ही रख दिया था मैंने, तो उसमें अब धो के उसको भी रख दिया है। तो छोपा के साथ ज़्यादा बर्तन होते नहीं है, चाय नाश्ते के थोड़े से ही होते हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट मैं करके रख देती हूँ। और उसके बाद इवनिंग में बस मैं अपने चाय नाश्ता कुछ बनाती हूँ तो बनाती हूँ, मैक्सिमम टाइम तो मैं फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ फिर से। तो यहाँ सब काम मेरा निपट गया है। इसके बाद मुझे करनी है अपनी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में कभी भी मैं जुम्बा कर लेती हूँ, कभी मैं योगा कर लेती हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड पे। और योगा मैक्सिमम टाइम मैं बाहर बैठ के ही करती हूँ, बट मुझे आज शूट करना था तो मैं आज घर के अंदर कर रही हूँ। योगा खुली जगह में आप करूँ ना तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रेश एयर आती है। तो आज मुझे शूट करना था तो मैंने सोचा अंदर ही करती हूँ, बाहर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, अभी मैं इतना लोग देखते हैं ना आसपास के तो थोड़ा अजीब लगता है अभी मुझे, अभी इतना ओपन नहीं हुई हूँ मैं, और स्पेशली पड़ोसी हैं तो बाहर तो चलो अलग बात है, कोई आपको जानता है नहीं जानता है, और यहाँ पे तो अभी रहना ही है यहाँ पर, तो इसीलिए भी मैं ज़्यादा नहीं बाहर बैल्कनी में शूट करती हूँ कुछ भी। तो यहाँ मैं अपनी मैट धो के रखी थी वो लेके आ गई हूँ, और अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगी, बाकी तो मैं करती आधा एक घंटा है हूँ, मगर अभी आपको 5 मिनट का एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। योगा अपने स्लो स्लो ही करना रहता है, वो तो मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड पर दिखा रही हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा इतना फास्ट फास्ट मैं कर रही हूँ, तो बहुत ही स्लो करना रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद 15-20 मिनट मैं ब्रेक लेती हूँ, उस टाइम पे मैं अपना फ़ोन चेक करती रहती हूँ, और फ़ोन से ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वाला पार्ट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। उस टाइम पे मैं अपने यूट्यूब का सब देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे किसी के कमेंट्स आए तो उनको रिप्लाई करती हूँ, ये सब करती हूँ। और ये अभी यहाँ पर प्लांट का पानी मुझे लगा चेंज कर देना चाहिए, वैसे तो ये बहुत दिन में चेंज करना पड़ता है, 4-5 दिन में, क्योंकि अब मैं इसको फैन के नीचे रखती हूँ तो इसका पानी भी कम हो जाता है सूख के। तो ये प्लांटर तो मैंने खुद ही बनाया था, आपने देखा होगा, और मुझे लग रहा है इसका एक पत्ता ख़राब हो रहा है तो उसको तोड़ के मैं हटा दूँगी, और लीफ पे मैं पानी से इसको धो देती हूँ ताकि फ्रेश बने रहे अच्छे से। सो यहाँ मैंने लगा दिया है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अब मैं खाऊंगी मैंगो थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज किए, और फिर इसके 1 घंटे बाद मैं खाना खा लूँगी। सो यहाँ पर मैंगो मैंने ना पानी में डिप करके रख दिए थे, अभी मुझे बता रहे थे इसे पानी में डिप करके रख के फिर खाना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, कुछ केमिकल रहता है, पहले तो मैं खा लेती थी ऐसे, अभी से ही मैंने सुना है। तो ये ग्रेप्स भी लाए थे, ग्रेप्स कुछ कुछ ख़राब आ गए हैं, तो अभी पहले मैं इसको डिप करके रख दूँगी थोड़ी देर, 15-20 मिनट फ्रिज में, ठंडा भी हो जाएगा तो ठंडा ठंडा आम खाने में अच्छा भी लगता है। तो ये ग्रेप लाए थे ना, इसमें कुछ कुछ ख़राब हो गए हैं, अब इसको जल्दी खा के ख़त्म करना पड़ेगा। ये वाले जो ग्रेप्स आते हैं ना ब्लैक वाले, काफ़ी मीठे रहते हैं कंपेयर टू वो जो ग्रीन वाले आते हैं उससे, सो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, कभी कभी मैं ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ, ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं वैसे, सो इसको भी रख देते हैं, अभी तो एक ही चीज़ खाएंगे एक टाइम पर। बाहर जो प्लांट रखे हैं उनको भी पानी डाल दूंगी, और आज मैंने ना फूल लगा था उसमें उसकी कटिंग कर दी है, तो बोलते हैं ऐसे कटिंग करने से और भी अच्छे से ग्रो होते हैं, तो यहाँ कट कर दिए। वैसे नए नए पत्ते आ रहे हैं इस वाले प्लांट में, आप देख सकते हो, और जेट का प्लांट तो सूख ही गया, उसका रीज़न मैंने देखा तो मैं जो पता चला कि उसमें मैंने ओवर वाटरिंग कर दी इसलिए वो सूख गया। वो पानी बना के पीऊँ ठंडा ठंडा पानी, मुझे ना मटका लाना है, मुझे फ्रिज का पानी ना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ऐसा कुछ बनाना रहता ना तो ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो ये एक बॉटल भर के रखती है फ्रिज में, इसके अलावा कोई बॉटल नहीं रहता। कभी ऐसा कुछ नींबू पानी वगैरह बनाना उसके लिए, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको ठंडा पानी चाहिए तो उसके लिए एक बॉटल मैं रखती हूँ फ्रिज में, बाकी तो मैं रेगुलर बेसिस पे तो वही रूम टेम्परेचर का पानी पी रही हूँ। और इसमें ये नींबू डालेंगे, और इसमें मैं डालूँगी गुड़ और थोड़ा सा नमक, बहुत ही अच्छा बनता है ये, अभी आपको बना के दिखाती हूँ। चिया सीड्स होते हैं ना वो भी इसमें डाल सकते हैं, बट वो रात को भिगा के रखते हैं और वो सुबह अभी के लिए रहता, तो रहता ना कभी कभी मैं वो भी डाल देती हूँ, आज तो अभी ने पूरा ही पी लिया, कभी कभी छोड़ देते हैं तो मैं बना लेती हूँ उसका नींबू पानी। सीड्स डालने से ना, चिया सीड डालने से और भी अच्छा लगता है, शिकंजी जैसा फ्लेवर आता है इसका, शिकंजी बोलते हैं ना वो जो मिलता है रोड साइड में, बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा सा डालेंगे जैगरी पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, और डाल के थोड़ा सा, और एक चीज़ डाल रही हूँ मैं इसमें चाट मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं ऊपर से, बट मैं ऐसे पीने वाली। गन्ने का रस होता है ना वैसा वाला फ्लेवर आता है इसका, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा आप। 11 बजे के आसपास मेरे सारे काम निपट गए हैं, और अब मैं कर रही हूँ अपने जो हम मुझे आज DIY करना है उसकी तैयारी।
सो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ इसका फुल डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं ये लकड़ी के टुकड़े सब उठा के लेकर आ गई। हमारे यहाँ जो कारपेंटर का काम हुआ था ना, उसमें सब ऐसे लकड़ियों के टुकड़े बच गए थे, तो मैंने रखवा लिए थे कि मैं कारीगरी करूँगी। और मैं सोच रही हूँ मैं कारपेंटर का भी जॉब कर लेती हूँ, बहुत एक्सपर्ट हो गए सब कामों में। सो एनीवे इसको कटिंग कर रही थी मैं, इसको काटने में जो मुझे मेहनत लगी है ना, बहुत मेहनत लग गई थी इसको कट करने में, आधा घंटा लग गया था और कटता ही नहीं, और मेरे हाथ में भी एक जगह लग गई थी। सो ये फाइनल मैंने कट कर लिया था और इसका बहुत ही अच्छा चीज़ मैंने बनाया है। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। सो मैं सोचा इसको कट करके जाती हूँ, क्योंकि इसमें से धूल मिट्टी निकलेगी तो मैंने फिर से गंदा हो जाना है। थोड़ा सा मैंने रेडी किया, फिर टाइम भी हो गया था, फिर मैं अपना शार लेने चली गई। उसके बाद मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी, अब फिर शार लेके मैंने अपना नाश्ता वास्ता किया और फिर खाना खाया, फिर आफ्टरनून में मैं लेके बैठी थी। फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट में। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएँ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।